फ्रेंड्स, गेंडम और हिप्नोसिस देखने में दोनों बिल्कुल सेम लगता है, पर देर आर फार मोर डिफरेंस। आपने बहुत सारा वीडियोस देखा होगा लोगों को ट्रांस में ले जाते हुए, इधर वर्बली इधर नॉन वर्बली, या हैंड जेस्चर करके, या बहुत सारा त्राटक निकल के क्लाइंट को ट्रांस में ले जाते हुए, इजन इट। तो कहने का मतलब है, अगर आप क्लाइंट के सेंस ऑर्गन को, चाहे उनके देखने के एबिलिटी से, या महसूस करने के एबिलिटी से, सुनने के एबिलिटी से, या टच करके वॉइस से, अगर आप नॉन वर्बल कर रहे हैं तो आई कांटेक्ट करके कर रहे हैं, तो दिस इज समवेयर हिप्नोसिस और मैग्नेटिज्म। क्योंकि आप सिर्फ क्लाइंट के कॉन्शियस सेंस ऑर्गन के माध्यम से ही इंटर कर पाते हैं, और वो बहुत ही टफ होता है। समवेयर क्लाइंट को आप हील करते हैं और रिजल्ट मिलता है, बट हमारा एफर्ट बहुत ज्यादा होता है ना। तो जो आप हिप्नोसिस का बात कर रहे हैं, उसके लिए कोई एनर्जी का रिक्वायरमेंट नहीं होता है। हिप्नोसिस, अगर आपके पास हिप्नोसिस का नॉलेज है, विदाउट एनर्जी यू कैन डू, बट उसका इफेक्ट बहुत ही थोड़े समय के लिए होता है। यहां पे हम बात करेंगे गेंडम की, सिमिलरिटीज वो भी है। गेंडम में भी हम लोग पावरफुल ट्रांस क्रिएट करते हैं विदाउट बोले हुए, विदाउट एनी वर्ड, जिसे नॉन वर्बल हिप्नोसिस या मैस्मरिज्म कह सकते हैं, या एनर्जी के साथ अगर पास आउट करेंगे तो वो मैग्नेटिज्म होगा। बट गेंडम हम क्लाइंट के किसी भी सेंस ऑर्गन को यूज नहीं करते हैं, सीधा क्लाइंट के कॉन्शसनेस में, उनके एनर्जी फील्ड में, उनके वाइब्रेशन में एंटर करते हैं, है ना। तो उसका रिजल्ट क्या होता है, इंस्टेंट, मींस क्लाइंट सेम टाइम वो एनर्जी को फील करेगा और सेम टाइम वो उसके अनुसार रिएक्ट करने है ना। लाइक क्लाइंट को ट्रांस में ले जाना, अगर कोई बैठा हुआ है तो उसे उठाना, है ना, या कोई गुस्सा है उसको शांत कर देना, या फिर बहुत सारा इन्फ्लुएंसिंग टेक्निक आप इस क्लासेस में सीखेंगे। बट गेंडम जो है वो एक मेटाफिजिकल साइंस है, एक शटल साइंस है, एक सूक्ष्म साइंस है, जो कि आपके इनर पावर, आपके माइंड पावर, या आपका जो भी एनर्जी का वाइब्रेशन है उस पे काम करता है। ये बहुत ही सूक्ष्म है। बिना हिप्नोसिस में या मैग्नेटिज्म में क्लाइंट आपके सामने आता है, तब जाके आप क्लाइंट को मैग्नेटाइज या हिप्नोटाइज करके उनका जो भी थेरेपी प्रोसीजर है हीलिंग करते हैं, या उनका जो भी प्रॉब्लम है, चाहे वो मेंटल हो, फिजिकल हो, फिनेंशियल हो, रिलेशन का हो, ब्लैक मैजिक का हो, एनी प्रॉब्लम, तब जाके उनका थेरेपी प्रोसीजर करके हम हीलिंग करते हैं, है ना, जो कि बहुत ही लंबा समय होता है। रिजल्ट आते हैं नो डाउट, बट थोड़ा एक्यूरेसी कम होता है। लिमिटेशन है कि आप राह चलते किसी लोगों को मैग्नेटाइज या हिप्नोटाइज नहीं कर सकते। रीजन कि आपको उनका सरेंडर चाहिए होता है, उनको आपने मींस उनके सेंस ऑर्गन को यूज करके, या तो बात करके, या फिर टच करके, या फिर देख के, या फिर और भी सेंस ऑर्गन के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से, वाटर के जरिए, या कैसे भी करके उनको हम हिप्नोटाइज या मैग्नेटाइज करते हैं। बट इन गेंडम वी डोंट यूज कोई भी उनके सेंस ऑर्गन को इस्तेमाल नहीं करते हैं, सीधा अपने वाइब्रेशन से उनके वाइब्रेशन में वो पैटर्न डालते हैं, जो भी जिस पर्पज के लिए हमें गेंडम करना है। लाइक क्लाइंट को ट्रांस ले जाना, क्लाइंट का हीलिंग करना, क्लाइंट का ऑटोमेटिक उनका वाइब्रेशन वो चेंज होता है ना। क्योंकि जैसा आप जानते हैं एस्ट्रोलॉजी में, कि हर एक प्लैनेट, हर एक नेचर के हर एक एलिमेंट, हमारा शरीर पंच तत्व से बना हुआ है, इन पांचों तत्व से ये पूरा ब्रह्मांड बना हुआ है, और ये फाइव एलिमेंट का वाइब्रेशन, अपना एक वाइब्रेशन होता है, और ये फाइव एलिमेंट हर किसी चीज को करके हील कर सकता है ना। तो गेंडम पूरा का पूरा नेचर का एनर्जी है, पूरा का पूरा यूनिवर्सल एनर्जी है, और इसे हील, मुझे हील नहीं करना होता है, क्लाइंट का वाइब्रेशन खुद ब खुद हील होता है। मैं बस थोड़ा सा वो प्रोसेस करता हूँ, फैसिलिटेट करता हूँ, और वो पावरफुल हीलिंग क्लाइंट करता है। मीन्स ये ज्यादा पावरफुल है, ज्यादा आसान है, थोड़ा प्रैक्टिस करने का चीज है। क्योंकि अगर कोई बहुत ही पावरफुल चीज आपके पास आती है तो, या कोई बहुत ही कॉस्टली चीज आपके आपके पास आती है तो उसको बहुत केयर से रखते हैं, या कोई बहुत ही पावरफुल चीजें आती हैं तो उसका आप
इस्तेमाल करने में एक महारत हासिल करते हैं। सपोज एक मींस एक क्रिकेटर के लिए, वो कितना भी बड़ा फेमस क्रिकेटर क्यों ना हो, लेकिन वो पर डे उसे प्रैक्टिस करता है ना। एक फुटबॉलर पर डे प्रैक्टिस करता है, एक गोल्फ प्लेयर पर डे प्रैक्टिस कर करके टच में रहता है। तो प्रैक्टिस आपने करना होता है ना, जो कि बहुत ही सिंपल है। थोड़ा प्रैक्टिस है, थोड़ा मेडिटेशन है, और बहुत सारा मीन्स विजडम है। जितना आपका विजडम बढ़ेगा, क्योंकि जो आपको लिमिट करता है वो आपका माइंड किंगडम, जहां तक आपका थॉट जाएगा, जहां तक आपका अवेयरनेस जाएगा, वहां तक आपका वाइब्रेशन ये वर्क करेगा। क्योंकि ये सीधा उस सोर्स का एनर्जी है जो कि हर जगह है। इस किंगडम के नॉलेज से आप चाहे वो ह्यूमन बींग्स हो, चाहे वो एनिमल हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, चाहे वो बादल हो, चाहे वो वेदर हो, चाहे वो वाटर हो, या नेचर का कोई भी एलिमेंट हो, उसे हम पावरफुल ढंग से इन्फ्लुएंस कर सकते हैं। बोला था कि जिनके पास गेंडम का नॉलेज होता है वो गॉड को भी इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, है ना। तो कहने का मतलब है ये नॉलेज उनका ही है और उनके माध्यम से ही हमारे पास आया है, और हमारा जो कम्युनिकेशन है गेंडम एनर्जी के साथ, वो नेचर के साथ और ज्यादा प्रोफाउंड और पावरफुल हो जाता है ना। तो फ्रेंड्स, जो लोग भी इस गेंडम के साइंस को सीखना चाहते हैं, आपके बिहार के पटना में 25 अगस्त, 26 अगस्त और 27 अगस्त से एंशंट इल्मु गेंडम का वर्कशॉप होने जा रहा है। जो लोग भी इस वर्कशॉप को ज्वाइन करना चाहते हैं, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शंस में जो इसका फी है उसका डिटेल, जिस पे आपको पे करना है उसका डिटेल, और हमारा व्हाट्सएप ग्रुप है, वो व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करके जो भी पेमेंट का डिटेल है वहां पे शेयर करें। जो भी नॉलेज होगी, क्वेरीज होगी, हम लोग क्लासेस के दौरान डिस्कस करेंगे, एंड वी विल प्रैक्टिस अलॉट। क्योंकि गेंडम एक अनुभव का चीज है, जितना ज्यादा आप अनुभव करेंगे उतना ही ज्यादा आप इसे प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करेंगे, आप डे टू डे लाइफ में इसका इस्तेमाल करेंगे। चाहे वो आप एक स्टूडेंट हो, या एक बिजनेस ओनर हो, या जो भी प्रोफेशन आपका है, डे टू डे लाइफ में आप लोगों से इंटरेक्ट करते हैं, आपको उनको इन्फ्लुएंस करने का जरूरत होता है, साथ ही साथ बहुत सारे लोगों को हेल्प करना है, चाहे वो मेंटली प्रॉब्लम में हो, या फिजिकली, या फिनेंशियली, इमोशनली प्रॉब्लम में हो, रिलेशन का प्रॉब्लम हो, एनी प्रॉब्लम। अबंडेंस को आप यूनिवर्स से और पावरफुल ढंग से फेच करते हैं, क्योंकि आपका जो थॉट लेवल है वो एक एनर्जी है, आपका अपीयरेंस, आपका टच, आपका वॉइस, एवरीथिंग एनर्जी में कन्वर्ट होने वाला है। आपका ऑरा एक वाइब्रेशन ऑरा होने वाला है, जिससे हमेशा एक पावरफुल एनर्जी किंगडम का अब रेडिएट होने वाला है, इजंट इट। सो फ्रेंड्स, आज ही ज्वाइन करें, रजिस्टर करें, क्योंकि वेरी वेरी फ्यू सीट्स आर देयर अकॉर्डिंग टू स्पेस। तो आज ही रजिस्टर करें अपने आप को और ज्वाइन करें। वेलकम यू ऑल इन पटना। थैंक यू फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच। ओम स्वस्ति अस्तु।